टोंक जिले के बरौनी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 800 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आड़ में तस्कर डोडा पोस्त खेप उज्जैन से पंजाब ले जा रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर बरौनी पुलिस ने थाने सामने रोक कर तलाशी ली। इस दौरान DST प्रभारी हरिमन मीणा ने भी मौजूद थे। टोंक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। सुबह श्रीमान SP साहब टोंक, ADC साहब टोंक और CO साहब टोंक के निर्देशानुसार मेजर और माइनर एक्ट की कार्रवाई के लिए मन थाना अधिकारी के नेतृत्व में टीम कार्रवाई के लिए गश्त पे थी। गश्त के दौरान हमें इतला मिली कि एक संदिग्ध वाहन आयशर ट्रक थाने की तरफ आ रहा है। संदिग्ध होने की सूचना पे थाने के सामने नाकाबंदी लगाई गई, जिसमें DST टीम भी शामिल थी हमारे साथ। और चूँकि हमें ये इतला मिली थी संदिग्ध है ट्रक, तो इसको रुकवा के चेक किया जाना जरूरी था। इसको वाहन को थाने के सामने नाकाबंदी जाब्ते की मदद से रुकवाया, और रुकवाने के बाद में जब इसको चेक किया गया तो इसके अंदर ऐसे ट्रक में 7 इलेक्ट्रॉनिक बड़े बड़े पैनल रखे हुए थे। उनके बीच में डोडा पोस्त, अवैध रूप से डोडा पोस्त जो कि कट्टों में भरा हुआ था, और तकरीबन 42 कट्टे डोडा पोस्त के भरे हुए हमने पकड़े और उनको मौके पे जब्त किया गया।